सबसे पहले आप सब लोगों का धन्यवाद करूंगा, आज आपने यहाँ पे आने हमारे कहने पे आप यहाँ पे आए हमारी एसोसिएशन की तरफ से। आज जम्मू कश्मीर बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन की तरफ से आज आगे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसका उद्देश्य सिंपल है कि हमारा यहाँ पे इंडियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस फेडरेशन की तरफ से जम्मू एंड कश्मीर में जो स्टेट चैम्पियनशिप हम करवाते आए हैं काफ़ी टाइम से, और इस साल हमारी 11 अप्रैल को जम्मू में संडे के दिन ऑर्गेनाइज हो रही है। और इसमें हमारे जो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, हमारे जो साथ में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हमारे जम्मू कश्मीर स्टेट एमेचर बॉडी बिल्डिंग के प्रेसिडेंट श्री ओम प्रकाश जी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट अनिल कुमार जी, हमारी वाइस प्रेसिडेंट अनु बेनाल जी एंड सॉरी और साथ में हमारे सनमदीप जी। और इसी के साथ ही मैं आप सबको बता देता हूँ कि हमारी यहाँ पे जो इस इवेंट की जो सबसे बड़ी जो डिटेल्स हैं मैं थोड़ी शेयर कर देता हूँ। इसकी ऑलरेडी इसकी रजिस्ट्रेशन हमारी शुरू हो चुकी हुई है जो कि 5 अप्रैल तक चलेगी आयरलैंड फिटनेस क्लब में। और ये हमारी जो बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन की तरफ से जो इवेंट हो रहा है ये 11 अप्रैल को संडे के दिन, और इसमें जो सबसे बड़ी जो चीज़ है जो वेरी फर्स्ट टाइम हम करवा रहे हैं मिस फिटनेस जे एंड के, जो कि अभी तक जम्मू कश्मीर में कभी हुआ नहीं। फीमेल प्लेयर्स हमारी जो काफ़ी पार्टिसिपेट करती हैं जो कि अलग अलग स्टेट में जाके जो जम्मू कश्मीर में हमने प्लेटफॉर्म देने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें टोटल ओवरऑल 5 टाइटल होंगे। सबसे पहले जो टाइटल है सीनियर मिस्टर जे एंड के, जूनियर मिस्टर जे एंड के, मैन फिजिक और बॉडी बिल्डिंग क्लासिक है, और साथ में वुमेन फिटनेस। और इसमें जो सबसे बड़ी जो चीज़ है जो सीनियर्स की है वो कैटेगरी वाइज होगा, और ओपन जो है वो जूनियर नेशनल जूनियर मिस्टर जे एंड के ओपन है, मैन फिजिक है ओपन है, और वुमेन फिटनेस वो भी ओपन करवाई जा रही है। और जो कि जे एंड के स्टेट के जो लोग हैं जो छोटे छोटे जो गांव से लोग उठ के आ रहे हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं जिन्होंने काफ़ी टाइम से स्ट्रगल किया है, जो एक अच्छी प्लेटफॉर्म यहाँ पे नहीं करवाई मिल रही थी हमारे जम्मू कश्मीर में, ये जो इवेंट हो रहा है जो पहले भी होता है ये प्रॉपर एक फेडरेशन की तरफ से हो रहा है जो कि इंडियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस फेडरेशन है जो कि रिकॉग्नाइज है एशियन ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से। और इसी के साथ ही मैं आप सबको बताऊंगी जितना हो सके बॉडी बिल्डर्स को हमने प्रमोट किया है कि वो एक आगे आएँ, अपने टैलेंट को दिखाएँ और जितना हो सके ड्रग्स से दूर रहें, क्योंकि आजकल के हमारे जो इस जो एरा में काफ़ी ड्रग्स फैल चुका हुआ है, तो ड्रग को दूर करने के लिए हमारी पूरी कोशिश है और लोग फिटनेस के ऊपर अवेयर करें। और प्लीज़ एक चीज़ और हम आपके मैं कहना चाहूँगा कि इस इवेंट में हमने प्रॉपर एक सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करने की पूरी प्लानिंग के साथ हम इवेंट कर रहे हैं, और पूरी कोशिश है कि जितना हो सके आगे से बढ़कर लोगों को जो प्लेस हैं उनको एक अच्छी अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। उसी के साथ ही इसके इस इवेंट पूरा होने के बाद हमारा जो नेशनल चैम्पियनशिप है उसकी टीम सेलेक्ट होगी जो कि ऑफिशियल टीम हमारी स्टेट को रिप्रेजेंट करेगी। और मैं साथ ही में हमारे जो स्टेट के जो प्रेसिडेंट हैं हमारे श्री ओम प्रकाश जी, मैं उनसे चाहूँगा कि वो आपसे इस इवेंट के बारे में 2-4 बात करें। सभी मीडिया पर्सन का बहुत बहुत शुक्रिया, और उनको हम वेलकम करते हैं कि आज हमारे छोटे से मैसेज पर आप सभी लोग जहाँ इकट्ठे हुए हैं। और इसके साथ ही जे एंड के सभी निवासियों को बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर साल की तरह हमारी जम्मू एंड कश्मीर एमेच्योर बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन जो है इस साल भी स्टेट चैम्पियनशिप करवाने जा रही है। और इसके साथ एक जो नई चीज़ है, जैसे कि हमारे जनरल सेक्रेटरी रोहित जी ने पहले ही बता दिया है कि मिस फिटनेस जो फर्स्ट टाइम जे एंड के में करवाया जा रहा है ये भी एक बड़ी बात है, ये बच्चियों के लिए, आज की नौजवान बच्चियों के लिए, और ये एक बड़ी प्रेरणा की बात है। और मैं उन सब से यही रिक्वेस्ट करूँगा, एडवाइस करूँगा कि वो सभी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पार्टिसिपेट करें, और ताकि हमारे जो बाकी जो बच्चियाँ हैं समाज की बच्चियाँ हैं उनको भी सेहत की तरफ ध्यान करने का मौका मिले। और जो हमारे युवा नौजवान हैं जो ड्रग्स की तरफ दौड़ रहे हैं, मुतवला हैं ड्रग्स में मुतवला हैं, उनको मैं यही कहूँगा कि वो स्पोर्ट्स कोई भी हो वो स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान दें, बाकी इन बुरी आदतों को बुरे आदतों को छोड़कर जो कि समाज के लिए बहुत ही एक कलंक की बात है, इन बातों को छोड़कर स्पोर्ट्स की तरफ आएं। और
कम से कम जो हमारा 11 अप्रैल को जेके प्लाजा में जम्मू में स्टेट चैम्पियनशिप हो रही है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और आके देखें कि जो जिन बच्चों ने मेहनत की है, जिन बच्चों ने स्ट्रगल किया आज तक, वो उनकी सेहत देखें ताकि उनको देखकर सभी को प्रेरणा मिले ताकि वो भी अपनी सेहत का ध्यान रखें। और जब हमारे अच्छा समाज होगा, अच्छी सेहत होगी लोगों की, तो हमारा अच्छा समाज होगा। तो इसके साथ ही मैं